सरकार और नागरिक अधिकारियों की एक समिति ने एक नया तरीका पेश किया है, जिसकी वजह से दिल्ली में 10 घंटे के लिए करीब 1,000 रुपये हो सकती है। योजना ऐसे समय शुरू की जा रही है जब दिल्ली NCR में प्रदूषण का कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली में बुधवार को प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में प्रवेश कर चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में 33 लाख चार पहिया और 73 लाख दो पहिया वाहन है। हर दिन लगभग 500 नई कारें दिल्ली की सड़कों पर उतरती है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, शीर्ष समिति की पहली बैठक की कोई तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन हम जल्द ही सिफारिशों की समीक्षा करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।